जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 देखा था आयुष संबंधित प्रश्न का। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से आगे तक देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है, तो 6 वर्ष बाद रंजना की। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को हमने हल किया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मान लीजिए, माना कि रंजना की वर्तमान आयु 15x है, राखी की वर्तमान आयु 17x है। अब कह रहा है 6 वर्षों के बाद, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु 15x+6 हो जाएगा और 6 वर्ष बाद राखी की आयु 17x+6 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से कह रहा है 6 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है, तो 6 वर्षों के बाद की रंजना की आयु अब बट्टा 6 वर्ष बाद राखी की आयु बराबर 9/10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो x बराबर 2 निकलेगा, 3x=6 तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु कितना होगा। सबसे पहले देखिए, रंजना की वर्तमान आयु हमको निकालना पड़ेगा। तो रंजना की वर्तमान आयु यहाँ 15x हमने माना था, तो 15 × 2 = 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद तो 6 साल और जोड़ दीजिए, 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही अगर आपसे राखी की वर्तमान आयु भी पूछे तो ऐसा ही करना, राखी की वर्तमान आयु इसमें डाल दीजिए, 17 × 34 और +6 = 40 वर्ष हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड देखते हैं। देखिए सेकेंड मेथड बहुत ही आसानी से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें जैसा कह रहा है हम एक डायग्राम बनाए हैं, बीच में परसेंटेज को लिखे हैं और इधर बिफोर लिखे हैं, इधर आफ्टर, यानी बाद का, पहले का एज, बाद का एज और वर्तमान एज लिखे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, कह रहा है वर्तमान एज इस 15:17 में है। ठीक है, दोनों का, रंजना तथा राखी की आयु। अब कह रहा है 6 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो बताइए वर्तमान में 15x है, तो 6 साल और जोड़ेंगे तो 15x+6 हो जाएगा, 17x अभी वर्तमान में है तो 6 साल और जोड़ना होगा तो 17x+6 हो जाएगा, और इसी दोनों का रेशियो यहाँ हमको गिवन था। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो x = 2 ही हो जाएगा। ठीक है, x = 2 हो जाएगा। अब कह रहा 6 वर्ष के बाद, यहाँ से मतलब क्या, 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु कितना है, तो 6 वर्ष क्या, यहीं पे ना रंजना की आयु कितना होगा जो निकालना है, इस वाले में डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा 36 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, पिता तथा पुत्र की आयु क्या होगा, आयु निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व, देखिए इसको सॉल्व किए, क्वेश्चन में दिया है पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, हमने कहा, हम मान लिए हैं, माना कि पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु 45 − 1 वर्ष। ठीक है, क्योंकि इसे दोनों का आयु का योग 45 वर्ष है, तो अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता 45 − 1 वर्ष का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में अगर 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले हमको जाना पड़ेगा, 5 साल पहले, पुत्र अभी 1 साल का है तो 5 साल पहले x − 5 साल का रहा होगा, तो पिता भी तो उतना ही हो, 45 − x − 5 यानी 40 − x। अब प्रश्न से कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय की आयु का, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। ठीक है, तो पुत्र की आयु गुना पिता की आयु 5 वर्ष पहले, और पिता के 5 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना है। ठीक है, अब 40 − x और 40 − x ये दोनों बराबर था तो हम काट दिए, x − 5 = 4 = 9। ठीक है, तो इसका मतलब पुत्र की आयु 9 वर्ष हो गया, तो पिता कितना होगा, 45 में से 9 घटा देंगे, 36 वर्ष हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। इसको हमने सॉल्व किया, देखिए सबसे पहले 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष का था तो पिता 3x वर्ष का था। ठीक है,
वर्तमान आयु में 10 वर्ष पहले की आई। तो वर्तमान आयु में जोड़ेंगे, वर्तमान आयु निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले आयु में 10 साल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही पिता का 3x+10 करना होगा। ठीक है, फिर कह रहा है 10 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात दोगुना हो, पुत्र के का दोगुना हो जाता है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या रहा होगा, x+20, और पिता की आयु कितना रहा होगा, 3x+20। अब प्रश्न से पिता की आयु जो होता है पुत्र के दोगुना हो जाता है, तो पिता हमारा 3x+20 था और पुत्र x+20 था, इससे निकाले हैं तो x बराबर हमारा 20 निकला है। अब कह रहा है इस दोनों की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु तो पिता अगर एक्स 20 वर्ष निकला है, 20 वर्ष निकला है तो इसमें डाल दीजिए, तो यहाँ से 70 आ जाएगा और यहाँ से हमारा 30 आ जाएगा, यानी हमारा 7:3 के अनुपात में दोनों की आयु का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम देखिए इस क्वेश्चन को हमने हल किया है, हल किया सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें वर्तमान आयु की वैन है। तो हमने कहा अंजू की वर्तमान आयु 13x है। ठीक है, उसी प्रकार संध्या की वर्तमान आयु 17x है। ठीक है, उसके बाद कह रहा 4 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो वर्तमान आयु में से 4 साल घटा देंगे तो 4 साल पहले वाला अनुपात हमारा निकल जाएगा। तो क्या कहे, 4 वर्ष पहले की आयु अंजू की आयु कितना हो जाएगा, तो वर्तमान आयु -4। ठीक है, ऐसा ही संध्या की वर्तमान आयु 17x-4। अब देखिए प्रश्न से कह रहा है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। देखिए इसी दोनों का अनुपात ने 11/15 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो हमारा एक्स बराबर यहाँ से 2 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए 6 वर्षों के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्तमान आयु आप निकाल लीजिए, वर्तमान आयु हमने निकाला, अंजू की वर्तमान आयु 13x माने थे तो x हमारा 2 निकला है, तो 13 × 2 = 26। वैसा ही संध्या 17x माने थे, 17 × 2 = 34 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है 6 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान आयु में 6 साल और जोड़ देंगे तो 6 साल बाद क्या आयु निकल जाएगा, 32 साल। वैसा ही संध्या का 34 था वर्तमान आयु, तो 6 साल के बाद 40 वर्ष। उसके बाद इस दोनों को अगर आप काटते हैं तो 4:5 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, इसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं कैसे बनाए हैं। ठीक है, देख लीजिए प्रेजेंट एज आपको गिवेन था, 4 साल पहले का एज गिवेन था। अब देख लीजिए प्रजेंट एज से 4 साल पहले वाले में आने के लिए हमको 4 साल घटाना पड़ेगा। तो हम कहें प्रजेंट एज अभी 13x है अंजू का और 17x है संध्या के। ठीक है, और प्रजेंट मानी वर्तमान आयु में से पहले वाले आयु में जाना, यानी 4 साल पीछे जाना है, तो 4 साल घटाना होगा तब तो हम पीछे जाएंगे ना। तो वर्तमान आयु 13x है तो 4 साल घटा दिए तो 13x-4 हो जाएगा, 17x वर्तमान है तो 17x-4 हो जाएगा। और इसी दोनों का जो अनुपात हमारा दिया था 11:15 दिया था, यहाँ भी सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए एक्स बराबर हमारा 2 निकलेगा। अब आपसे पूछा है 6 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना हो, अगर 2 आया है तो वर्तमान में 26 साल 34 साल की ये हो जाएगा, फिर 6 साल और बढ़ा दीजिए 32 और 40, 4:5 में। ठीक है, अगर आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। देखिए 23 नंबर में कह रहा है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की से 4 गुना थी, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी आय से 5 वर्ष अधिक है, तो इस दोनों का रेशियो कितना होगा। ठीक है, ये हमारा निकालना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, सबसे पहले देखिए जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा ही हमने किया है। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, तो 1 वर्ष पूर्व माना कि 1 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु एक्स वर्ष था। ठीक है, तो महिला 4x था ऐसा क्वेश्चन में कहा है, तो 1 वर्ष पहले उतना था तो वर्तमान में कितना होगा, 1 साल जोड़ना पड़ेगा हमको दोनों की आयु में, तो पहले x था, एक साल और बढ़ गया तो x+1 हो जाएगा वर्तमान में आयु।
वैसा ही महिला का 4x+1 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 6 वर्षों के बाद, तो 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु, जब वर्तमान आयु हमारा इतना था तो पुत्र की भाई x+1 ये हमारा वर्तमान आयु था, 6 साल और जोड़ देंगे तो x+7 हो जाएगा। वैसा ही महिला 4x+1 ये हमारा वर्तमान आयु था, 6 साल और जोड़ दीजिए तो 4x+7 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से कह रहा है महिला की जो आयु है वह पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाता, 2 गुना से 5 वर्ष अधिक हो जाता है 6 वर्षों के बाद। तो 6 वर्षों पे हमारा निकला हुआ है, यहाँ महिला कितना निकला है 4x+7, पुत्र कितना निकला है x+7 गुना 2+5। इसको अगर अब हल करते हैं तो x बराबर हमारा 6 आंसर आ जाएगा। अब करें इस दोनों का रेशियो कितना होगा, तो रेशियो पूछ रहा है तो हम वर्तमान आयु से रेशियो निकाल दिए, यहाँ से निकाल दिए, तो महिला की आयु 4x+1 था तो 6 रखेंगे इसमें, 6 6 24+1 25 हो जाएगा हमारा रेशियो। 6+1 कहाँ से आया, तो वर्तमान आयु x+1 था, x और x का मान हमारा 6 निकला था, तो 6+1 7 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर था। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु कितना होगा। अब देख लीजिए, जैसा सबसे पहले क्या कीजिए, माना कि पिता की आयु 1 वर्ष, ठीक है, तो लड़के की आयु क्या, पिता की आयु का 1/3 हो जाता है, यानी पिता की आयु 1 वर्ष है तो उसका 1 x 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा इतना वर्ष का। अब कह रहा है 12 वर्षों की बात, अब बताइए 12 वर्षों के बाद लड़के अपने पिता की आयु, लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 12 वर्ष के बाद पिता की आयु कितना होगा और लड़के की आयु कितना होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाला है 12 वर्ष बाद पिता की आयु x+12 वर्ष, क्योंकि वर्तमान आयु में 12 वर्ष और जोड़ देंगे तो हमारा पिता की 12 वर्ष के बाद की आयु निकल जाएगा। ऐसा ही लड़के की आयु, तो लड़के की वर्तमान आयु 1/3 था, इसमें 12 साल और जोड़ दिए, ठीक, तो हमारा लड़के की आयु निकल जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में लड़के की 12 साल के बाद लड़के की जो आयु है वह पिता की आयु 12 साल के बाद पिता की आयु का आधा है। ठीक है, तो यहाँ लड़के की 12 साल की बाद की आयु 1/3+12 था और पिता की 12 वर्ष के बाद की आयु 1/12/2 था। ठीक है, अब इस दोनों को यहाँ हमने सॉल्व करवाया है तो x=36 आया। ठीक है, तो x किसका एज निकला, तो पिता की आयु 36 वर्ष है अभी, तो पुत्र की आयु कितना होगा, यानी लड़का लड़के की आयु कितना होगा, तो कह रहा है अपने पिता का 1/3 है, 1/3 है, तो 36/3 यानी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना है हो जाएगा, मेरी वर्तमान आयु कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व किए हैं, सॉल्व किए कैसे, मान लीजिए माना कि पुत्र की आयु 1 वर्ष, ठीक है, तो मेरी आयु यानी उसके पिता की आयु 3x वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगा, तो 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या रहा होगा, x+5, मेरी आयु कितना रहा होगा 3x+5। अब कह रहा है जो 5 वर्ष के बाद जो मेरी आयु है वो 5 वर्ष के बाद मेरे पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा, यानी इसको अगर आप होल तोड़ते हैं तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद मेरी आयु 3x+5 था और मेरे पुत्र की 5 वर्ष के बाद x+5 था, ठीक है, गुना 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो 3x+10 ये इसके साथ गुना होने आएगा और ये इसके साथ गुना होगा तो 5x+25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर आप हल करते हैं तो x=15 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में जो मेरी वर्तमान आयु क्या होगा, देखिए तो मेरी की वर्तमान आयु क्या माने हैं 3x माने हैं, 3 × 15 यानी 45 वर्ष। देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है वर्तमान आयु को ही हम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है,